निफ्टी 19,600 के ऊपर बंद हुआ। एफएमसीजी और फार्मा में अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन रियल एस्टेट और धातु में गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय शेयरों में बुधवार का कारोबार उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन देर से चुनिंदा खरीदारी ने लगातार चौथे दिन सूचकांकों को चढ़ने में मदद की। रुपया पिछले बंद भाव 83 रुपए प्रति डॉलर के मुकाबले 83.13 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। HCL टेक्नोलॉजीज को एल्डर्स द्वारा व्यावसायिक संचालन में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए चुना गया है। TVS ने भारत में अपाचे RTR 310 को 2.43 लाख रुपए की कीमत पर उतारा है। ल्यूपिन ने टियोट्रोपियम ब्रोमाइड इनहेलेशन पाउडर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मार्क क्यूबन कॉस्ट प्लस ड्रग कंपनी के साथ सहयोग किया। अडानी टोटल गैस को अहमदाबाद नगर निगम से 500 टन दिन की क्षमता वाले जैव CNG प्लांट को विकसित करने और संचालित करने का आदेश मिला। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 51% बहुमत हिस्सेदारी के लिए आलिया भट्ट की एडे मम्मा के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा कंज्यूमर ने रॉटर्स की रिपोर्ट का खंडन किया और कहा कि कंपनी हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत नहीं कर रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया। RHI मैग्नेसिता ने कहा, CCI ने इग्नाइट लक्जमबर्ग होल्डिंग्स द्वारा RHI मैग्नेसिता NV की 20.9% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने उत्तरी अमेरिका में वियाट्रिस से अधिग्रहित बायोसिमिलर व्यवसाय का एकीकरण पूरा कर लिया है। ABB इंडिया और टाटा स्टील ने इस्पात उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए संयुक्त रूप से टेक्नोलॉजी का पता लगाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। फोर्स मोटर्स अगस्त में कुल उत्पादन 3,032 यूनिट, घरेलू बिक्री 2,601 यूनिट और निर्यात 675 यूनिट रहा। अंबुजा सीमेंट के मुख्य परियोजना अधिकारी के पद से KA चौधरी ने इस्तीफा दिया। इंडस्विफ्ट लैबोरेटरीज API व्यवसाय को सिंथिन लैब्स को 1,650 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर बेचेगी। आर्टिसन इंजीनियरिंग को टाटा प्रोजेक्ट्स से 25.19 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के प्रमोटर ने ओपन मार्केट के जरिए 5.55 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदे। BGR एनर्जी सिस्टम्स को DVC कॉन्ट्रैक्ट के निपटारे के लिए 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्पाइसजेट ने प्राथमिकता के आधार पर प्रमोटर को 3.41 करोड़ शेयर और 13.14 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट आवंटित किए। इंडस्विफ्ट बोर्ड ने इंडस्विफ्ट लैब्स के साथ कंपनी के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी। टाटा मोटर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी JLR ने अपने व्यवसाय में डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए TCS के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। वेदांता ने सेसा आयरन एंड स्टील के नाम से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। ट्राइडेंट ने घोषणा की कि ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्प की बिक्री के लिए ट्राइडेंट विक्रेता और लोटस होम टेक्सटाइल्स खरीदार के बीच समझौता किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 10 शेयर्स।